मैं बताऊंगा न्यू बेसिस मॉडल फोर्ड फिगो टाइटेनियम ब्लू जो आज भारत में लॉन्च हो गई 2021 मॉडल, ये है काफ़ी शानदार और ये ब्लू कलर की है। 1.2 TIVCT जो पेट्रोल में है, CIC सीरीज सब आटो सब मिलाकर हर शहर का अलग रहता है। मैं नई दिल्ली का पाए बता रहा हूँ जो काफ़ी शानदार फीचर मिलते हैं, देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है। सामने ऊपर बात करें तो दो वाइपर मिल जाते हैं, फोर्ड का लोगो मिल जाता है, ग्रिल काफ़ी शानदार मिल जाती, देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है। LED दीवारों के साथ हेडलैम्प मिल जाता है, दो वाइपर मिल जाते हैं, वाशर क्लीन मिल जाता है, काफ़ी शानदार फीचर मिलते हैं। और इस मॉडल में फॉग लैम्प मिल जाता है सामने और पीछे भी, ग्रिल काफ़ी शानदार, फोर्ड का लोगो और सामने दिशरक मिल जाता है, पीछे ड्रम बैक मिल जाता है, चारों टायर ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। फ्रंट टायर की बात करें तो 175/65R14 और रियल में 175/65R14 और काफ़ी शानदार दिखाई देती है। और काफ़ी ज़्यादा फीचर इसमें, टच स्क्रीन और काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं इसमें। फॉग लाइट फ्रंट और पीछे दोनों साइड मिल जाती है। बॉडी टाइप SUV है, हैचबैक है, बॉडी टाइप SUV नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा, हैचबैक है। और ट्रांसमिशन का प्रकार मैनुअल मिल जाता है और ये है 1194 CC की और अधिकतम पावर इसमें 94.93 BHP और 6500 RPM मिल जाती है। अधिकतम ताप इसमें 119 NM और 4250 RPM मिल जाती है। सिलेंडर की संख्या इसमें 3 मिल जाती है, 25 सिलेंडर की संख्या इसमें 4 मिल जाती है। टर्बो चार्जर नहीं पाता, सुपर चार्जर भी नहीं पाता। ट्रांसमिशन का प्रकार मैनुअल मिल जाता है, 5 गियर की है और ये पेट्रोल इसकी माइलेज लगभग ये 18 से 20 किलोमीटर प्रति एयरवे दे सकती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आप 42 लीटर फ्यूल भर सकते हैं, काफ़ी शानदार इसमें फीचर मिल जाते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 39 से 48 mm मिल जाती है और चौड़ाई इसकी 1704 mm मिल जाती है, ऊंचाई इसकी 1525 mm मिल जाती है, 5 सीटर की है। व्हील बेस इसमें 2490 mm मिल जाता है। क्राउन कंडीशनर इसमें 1016 और 1033 किलोग्राम मिल जाता है। दौर की संख्या इसमें 5 मिल जाती है। अंदर साइड बात करें तो पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, पावर विंडो फ्रंट मिल जाता है, पावर बूथ, एयर कंडीशन, हीटर, एडजस्टेबल स्टेयरिंग और ये वाले मॉडल में काफ़ी ज़्यादा फीचर, शानदार फीचर मिल जाते हैं। और ड्राइवर सीट विंडो में पूरे कंट्रोल सीट ग्लास प्रदान करने के लिए और पूरे कंट्रोल डोर के लॉक करने के लिए यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ से लॉक कर सकते हैं और ग्लास प्रदान करने के लिए। और वन नीचे वाटर होल्डर, थोड़ी स्पेस मिल जाती है, साउंड सिस्टम मिल जाता है और स्टेयरिंग पास फोर्ड का लोगो मिल जाता है। कॉल ऑन कॉल करने के लिए, हेडलैम्प के लिए, वाइपर के लिए, वाशर के लिए पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं, इंडिकेटर के लिए और हॉर्न के लिए मिल जाता है। और स्टेयरिंग भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, इंटीरियर काफ़ी शानदार मिल जाता है। और सामने डैशबोर्ड में पार्किंग सेंसर के लिए मिल जाता है जो पीछे के लिए है और AC सिस्टम मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम के लिए मिल जाता है और USB इनपुट सिर्फ सामने मिल पाता है। 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। AC कंट्रोल इंटीरियर काफ़ी शानदार मिल जाता है, देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है अंदर साइड भी। और गियर बॉक्स के पास थोड़ी स्पेस मिल जाती है और हैंड ब्रेक मिल जाता है वहाँ पर और थोड़ी और स्पेस वहाँ पर मिल जाती है, कुछ रख सकते हैं आप। और सीट बेल्ट मिल जाता है, ड्राइवर एयरबैग मिल जाता है, पैसेंजर एयरबैग मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ से इसमें रेन सेकेंड वाइपर मिल जाता है, रियर विंडोज वाइपर मिल जाता है और पावर एंटीना भी मिल जाता है। रंगीन ग्लास नहीं मिल पाता और रूफ कैरियर नहीं मिल पाता, सनरूफ भी नहीं मिल पाता, मून रूफ भी नहीं मिल पाता। और LED में लाइटें मिल जाती हैं और रूफ रेल भी नहीं पाता, काफ़ी शानदार फीचर। और पीछे सीट की बात करें तो 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है और बैठने के बाद भी थोड़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है सीट की, आप सामने वाली ड्राइवर सीट एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। और पीछे वाली सीट में डोर में ग्लास अवधारण करने के लिए 1 लीटर वाटर होल्डर, साउंड सिस्टम मिल जाता है और ऊपर साइड हाइलोजन में लाइट मिल जाती है और काफ़ी शानदार। और पीछे साइड बात करें तो फोर्ड का लोगो मिल जाता है और फिगो की बैजिंग मिल जाती है
टाइटेनियम ब्लू 1.2 की बेजिंग टीआई वीसीटी और पार्किंग सेंसर के लिए मिल जाता है और कैमरे के लिए मिल जाता है और एक वाइपर मिल जाता है और वाइपर और काफ़ी शानदार तेल लाइट भी काफ़ी शानदार मिल जाती है, वाशर मिल जाता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।